हाय। तुम्हारे हाथ में गिटार? गिटार इसे पटाना चाहता हूँ। किसे पटाना है? तुमको। ए, झूठे। हाँ झूठा हूँ। तुम्हारा हीरो विशु गिटार बजाता है तो वॉटर मेलोडी कहती हो, और मैं बजाता हूँ तो झूठा कहती हो। मैं तुम्हें आवारा दिखता हूँ क्या? ए, तुम जो भी करोगे मुझे पसंद है। मतलब तुम विशु को जितना चाहती हो उतना ही मुझे भी चाहती हो क्या? Because you are my sweet friend, right? अब तुम्हारा पशु जो है ना, सॉरी मतलब विशु है ना, उससे भी अच्छी गिटार बजाना मैं एक हफ्ते भर में सीख जाऊंगा। तुम देखती रहना। क्या सिर्फ एक हफ्ते में गिटार बजाओगे? ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर भी हंसे थे मुझ पे, तो मैंने उनसे कहा कि म्यूजिक पर मुझे बहुत प्यार है, मैं जल्द ही सीख जाऊंगा। ऐसे ही उन लोगों ने भी अपनी हंसी रोक दी और कहा कि जल्दी सीखेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा ज्यादा प्यार करना पड़ेगा, ये भी बोला। हाँ? म्यूजिक पर। नाइस। वैसे तुम्हें म्यूजिक कितना पसंद है? मैं जितना तुम्हें चाहता हूँ उतना। पागल, मुझसे भी ज्यादा करो। नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और मैं किसी को नहीं चाहता हूँ। उषा, हाय। जरा यहाँ आओगी? नो नो, ओनली यू प्लीज। ए, विशु आया है, मैं भी आती हूँ, हटो। ये देख वहाँ बैठा है। हाँ हाँ, चल जल्दी, चल 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 चल, रॉकी के पास चलते हैं। आ जाओ, बैठो। किवे, उषा को अभी तक भूला नहीं है क्या? जब चाहो तब उसको भुला दो, उसके लिए वो कोई पड़ोस वाली नहीं है, समझ गया ना? तू तो कह रहा था कि तू उसे बहुत प्यार करता है यार। जब चाहो तब बोलने के लिए लव 2 × 1 = 2 बोलने जितना आसान नहीं है बे। वो तो अपने आप अंदर से आना चाहिए, अपने आप समझ में आना चाहिए। तुम सबको प्यार क्या होता है पता भी है? मुझे क्या? पता है। लड़की को पार्क में ले जाना, शाम को मूवी दिखाने ले जाना, और जब घर में कोई ना हो तो रूम में ले जाके तूफान मचा देना। रूम में ले जाकर तूफान मचाएगा किस लिए भाई? अकेले में लव थोड़ा ज्यादा डेवलप होता है भाई। अकेले में लव डेवलप नहीं होता है, समझा? तो फिर समझ गया। ठीक है यार, लव का मतलब क्या है ये तू ही बता दे। ये लव का मतलब लव लव ही होता है। ना उसका प्यार हारना चाहिए और ना ही अपना प्यार हारे। सच्चा प्यार कभी भी नहीं हारता, आखिर तक जो नहीं हारता है वही सच्चा प्यार है। मतलब कि तुम किसी एक लड़की को ढूंढकर उसके साथ शादी करने का प्लान बना रहे हो? ऐसा नहीं करना यार, पहले उसके घर परिवार के बारे में जान लो, नहीं तो परेशानी होगी। सुन ले, कभी ना कभी उसे उस लड़के का प्यार झूठा है पता चली जाएगा। वैसे ही मेरे सच्चे प्यार के बारे में भी वो जान जाएगी, और उसके बाद वो मेरे पास जरूर आएगी। उस दिन उसी ने तो कहा था कि मैं रॉकी को अपने दिल से बहुत चाहती हूँ। मैं उसके लिए दरअसल एक व्हाइट पेपर जैसा हूँ, वो जो भी लिखेगी मैं वही बनूंगा। लवर, मंगेतर, पति, देखना ऐसा ही कुछ तो लिखेगी, देखते रहना। ए सोडा, इसने कभी अपनी बात सुनी है क्या? ये भी अलग है, इसका स्टाइल भी अलग है यार, मुझे बात नहीं करनी। चलो चल भाई, चल चलते हैं। ओके बाय। ए सोडा, उषा, आई लव यू उषा। अरे तेरी तो, कौवा था बॉस, आपको डिस्टर्ब ना करे इसलिए मैंने पत्थर मारा। हाँ आप कंटिन्यू कीजिए ना। वो हमेशा से ही ऐसा है, हंसता है, हंसाता है, लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करता है। अगर उसके साथ रहोगे तो कभी भी बोर नहीं होगे। सिर्फ मुझे ही नहीं, सारे लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। ओहो, तो तुम्हें बहुत पसंद है। सारी दुनिया की लड़कियां एक ही जैसी होती हैं। सॉरी, मैं जो बोलना चाहता था वो नहीं बोल पाया। उषा, मेरे फ्रेंड्स, कलीग्स, म्यूजिशियंस, रिलेटिव्स, बहुत सारे लोग हैं, मैं उन सब से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ एक बार। इसलिए अगले हफ्ते मैंने एक बड़ी सी पार्टी रखी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज। ओह रियली? तुम मेरी वजह से पार्टी रख रहे हो तो मैं ना कैसे कह सकती हूँ?
दुनिया वालों, लव यू या हेट मी, ट्रैंग ट्रैंग, किस मी या किल मी, ट्रैंग ट्रैंग, ओ डार्लिंग प्लीज डू समथिंग फॉर मी, तारा तु 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 तु। ओके अशोक, मैं तुमसे कुछ और भी बात करना चाहता था, लेकिन आज मौसम अच्छा नहीं लग रहा है, तो कल हम किसी और जगह पे मिले बिल्कुल अकेले, हैं? ठीक है, मैं चलता हूँ। क्यों बॉस, प्यार करने के लिए इतना अच्छा मौसम है फिर भी इतनी जल्दी उड़ गए क्या? रात को मेरी वाली को 12 बजे फोन करोगे ना? क्यों? क्या बॉस, आप भी ना, अरे लोग जैसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, तो ऐसी 12 बजे फोन करके विश करते हैं, उसी तरह आप हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोलकर विश कर दो, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बॉस। और इसके अलावा आपके लव के बारे में बात करने के लिए इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा? गुड थॉट, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हें नहीं लगता है कि 12 बजे बहुत देर है? मुझे सुबह जॉगिंग पर भी जाना होता है। ओए, अरे कौन सी दुनिया के लवर हो आप बॉस, एक दिन जॉगिंग पर नहीं जाओगे तो तुम्हारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल डबल हो जाएंगे क्या? ओके उषा, मैं 12 बजे फोन करता हूँ। ओके, मैं अब तुम्हें फोन करता हूँ। ओके बाय, जाओ भाई, जाओ जाओ। सॉरी उषा डार्लिंग, तुम्हारे लवर के साथ साथ तुम्हें भी टॉर्चर कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। हाँ गॉड हेल्प मी, फोन करने का टाइम आ गया है। ये क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोलो जल्दी। उसने फोन किया था क्या? और 10 मिनट बाकी है ना। वो तुमसे प्यार नहीं करता, कन्फर्मली बोल रहा हूँ। क्यों? अरे अगर वो तुमसे प्यार करता होता तो अब तक वो इंतजार नहीं करता, बल्कि तुम्हारे प्यार के लिए वो तड़पता रहता। कहीं पर अलार्म लगा कर वो सो गया होगा कुंभकरण। यस। उषा, तुम्हारे पड़ोस वाले के घर में एक पमोलियन कुत्ता था ना, उसका बच्चा हुआ क्या? अरे वो तो कुत्ता था, बच्चा कैसे पैदा किया? इंजेक्शन दिया तो वो पैदा हो गया। साइंस इतना डेवलप हो चुका है, अगर ऐसा है तो उस घर के ओनर ने बीवी को बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए उसे डिवोर्स दे दिया था। उससे अच्छा तो वाइफ को भी इंजेक्शन लगवा देना चाहिए था। उसे कोई बीमारी है इसलिए रोज इंजेक्शन लेता है वो। ओहो, वो फिर भी बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है क्या? क्या कहा? कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। उषा, अभी विश्वास तुम्हें फोन तो करेगा ही ना? 12 कब के बज चुके हैं, अब कल दोपहर 12 बजे करेगा, क्योंकि इस वक्त 12:35 हो गए हैं। अरे अरे अरे, क्या कहा, 12 बज भी गए क्या? अरे उषा, मेरी घर की घड़ी में अभी तक 12 भी नहीं बजे हैं। विशु कितना बुरा मानेगा पता है? देखो उषा, तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना। हा? मैंने तो तुम्हें फोन इसलिए किया था कि तुम्हें 12 बजे तक जगना है, बोर नहीं होना है, नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो अभी फोन रखो। गुड नाइट। गुड नाइट। कल मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन तुम्हारा फोन एंगेज था उषा। 12 बजे से पहले ट्राई कर सकते थे ना? मैंने बोला था ना कि मैं ठीक 12 बजे फोन करूंगा उषा। तो फिर थोड़ी देर बाद ट्राई कर सकते थे। मैंने तुम्हें कितना ट्राई किया, फोन स्विच ऑफ आ रहा था उषा। उसके बाद मुझे नींद आ गई थी, मेरा मोबाइल किसने स्विच ऑफ किया मुझे पता भी नहीं चला। उषा ये बताओ कि तुम्हें मनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे लिए गिटार प्ले करोगे क्या? या श्योर। हे रॉकी, हे रॉकी, गिटार गिटार लेकर आओ। गिटार गिटार ले आओ। गिटार मांग रहा है कमीना। You will have a nice time. thank you. Oh no. Huh? Shit. Strings toot gaye Usha. Hey, Rocky.
बजाओ ना। हाँ। वाओ 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 उषा, तुम्हें इनका बाजा सुनकर नाचने का दिल नहीं कर रहा है क्या? आओ ना, आओ नाचते हैं, आओ।